पहले से थी ये खूबसूरत दुनिया मेरी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाहिंस कुकिंग। और आज हम बना रहे हैं मेरी सबसे पहली रेसिपी जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी कुकिंग सीखते वक्त। गोल्ड कॉइन नाम है इसका। एक सैंडविच है, चिकन सैंडविच की तरह। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। मैंने यहाँ लिया है 1.5 किलो चिकन, उसमें 2 से 3 आलू, और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है ताज़ा, 1 या 2 चम्मच। इसको हम डाल देंगे कुकर में, और 1 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, और 1/2 ग्लास पानी। 1.5 किलो चिकन में 1/2 ग्लास पानी। अब इसको 2 सीटी बजने तक उबालेंगे। रेडी हो जाएगा इसका चिकन स्टॉक, हम पहले अलग से निकाल के रख देंगे। आलू पील करके मैश कर लेंगे आलू को, और चिकन के श्रेडेड कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल। ये मैंने किसी से सीखी थी, हमारी फैमिली फ्रेंड से। आई होप आपको पसंद आई। अब एक पैन में 1 चम्मच मस्का बटर, उसमें 1 चम्मच ऑयल ताकि मक्खन जले ना, बटर जले ना, सॉरी। मैंने यहाँ पे 1 प्याज का पेस्ट बनाया, आप चाहे तो बारीक कट करके डाल सकते। अब ये पेस्ट को हम डाल देंगे, इसमें थोड़ा भुनेंगे अच्छे से, मीडियम आंच पे पकाना वरना जल सकता है। इसमें आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसको अच्छे से बनाना, भूनना है इसको। और इसमें 1/2 कप ऑफ मिल्क, 1/2 कप दूध, इसको अच्छे से पकाओ। मीडियम फ्लेम पे ही पकाना वरना जल जाएगा या चिपक जाएगा। मेरा तो नॉन स्टिक है वैसे, बट फिर भी मीडियम फ्लेम पे। अब जो चिकन स्टॉक बचा था वो मैं इसको डाल रही हूँ, मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ मसाला। बस इसको पकने के बाद इसमें चिकन डालेंगे, और उसके बाद जो हमने आलू को पील छील के पूरा मैश किया था वो भी डाल देंगे। चिकन को एकदम श्रेड करना, एकदम बारीक बारीक हाथ से। और इसमें डालेंगे, मैं 2 मिर्ची को बारीक कट करके डाला है इसमें, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। 1 चम्मच काली मिरी, अब मैंने इसमें सिर्फ 1 ही चीज़ डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 2 मैक्सिमम 2 चीज़ में बहुत टेस्ट आता है, मैंने 1 ही डाला है। इसको अच्छे से पकाओ जब तक ये उसका पूरा पानी सूख नहीं जाता। डोंट ऐड एक्स्ट्रा वाटर, बस जो चिकन स्टॉक था, दूध था, काफ़ी है। अब इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए धनिया, बस हमारा मिक्सचर रेडी है, बनाई ऑलमोस्ट रेडी है। इसको ठंडा होने देते थोड़ा। अब हम लेंगे ब्रेड और उसको गोल गोल काट लेंगे, कुकी कटर से या ग्लास से कट कर लेंगे। और डोंट वरी, बाकी भी चीज़ वेस्ट नहीं हुई है, मैंने दूसरे ब्रेड्स का ब्रेड क्रम बना दिया था ताकि फ्यूचर में काम आए। तो ऐसे ही कुकी कटर से कट करके अब इसमें हम मिक्सचर डालेंगे।
बस ऐसे ही सैंडविच बना कर रख देंगे। अब आप पूरे दिन में उसको जब चाहे तब वो कर सकते हैं, सेक कर खा सकते हैं, भून सकते हैं। अब एक पैन में बटर लेंगे उसको गर्म होने तक, फिर हम इसको दोनों तरफ से शैलो फ्राई करेंगे। इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, बहुत टेस्ट रहेगा ग्रिल में भी। तो मैंने हल्का सा शैलो फ्राई किया, बस अब इस फिर सॉस को सॉस से खाए या मेयो से खाए। आई होप आपको ये पसंद आई, थोड़ी सी टफ है बट बहुत मज़ा आता है ये खाने में, बहुत। यू ऑल लव दिस एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एवर रेसिपी जिससे मैंने कुकिंग सीखी थी। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।